हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सोटिक टर्म पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे देशों के बारे में जहाँ पे हम इंडियंस जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अमीर फील कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ की करेंसी हम इंडियन रुपीस से बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ ही मैं आपको बताऊँगा उन देशों की जगहों के बारे में जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और दोस्तों वहाँ की लैंग्वेज जो आपको आनी ही चाहिए। बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले देश का नाम है कंबोडियन, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंबोडियन की जनसंख्या टोटल 1.67 करोड़ है। दोस्तों कंबोडियन की करेंसी कंबोडियनी रियाल है, जो कि 1 कंबोडियनी रियाल बराबर होते हैं 0.019 इंडियन रुपीस के। अगर 10,000 इंडियन रुपीस होंगे तो वो कंबोडियन में 531,000 अप्रॉक्स के करीब होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम कितने ज़्यादा अमीर हो सकते हैं ऐसे देश में जाके। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर हमारे भारत में है तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूँ, हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडियन में है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है एंकोर वाट टेम्पल। दोस्तों बेसिकली ये मंदिर हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए है, और ये मंदिर फेमस है भगवान विष्णु के नाम से। दोस्तों ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और प्राचीन मंदिरों में से एक है। अगर आप कभी कंबोडियन जाएं, ये प्लेस आपके लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए विजिट करने के लिए। दोस्तों कंबोडियन जाने के बाद वहाँ की बीच मिस मत करना, जो आपकी ट्रिप को बहुत ही मज़ेदार बना सकती है। दोस्तों कंबोडियन एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग ही एकमात्र ऐसा फ्लैग है जिसमें इमारत की छवि अंकित है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वहाँ की लैंग्वेज की, तो कंबोडियन के लोग ज़्यादातर फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन उनके बीच इंग्लिश भी कॉमन है। इसके साथ साथ आप सीम रिप भी घूम सकते हैं, जो कि एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे आपको बहुत ही सारे कैफ़े मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्क भी मिलेगा और बेस्ट प्लेस है शॉपिंग के लिए। दोस्तों हमारी सेकंड नंबर की कंट्री है वियतनाम, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। अगर मैं वहाँ की जनसंख्या की बात करूँ तो वहाँ पे टोटल 9.73 करोड़ का एक देश है। दोस्तों वहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग, जो कि 1 वियतनामीज डोंग बराबर होते हैं 0.003 इंडियन रुपीस के। यानी कि अगर हम इंडिया के 10,000 रुपये लेंगे तो वहाँ के 29,98,000 अप्रॉक्स के बराबर होगा। इतने में तो हम यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप वहाँ पे जाके क्या क्या इंजॉयमेंट कर सकते हैं। वियतनाम की एक फेमस वाइन है जो कि स्नेक वाइन के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो रियल में स्नेक से ही बनती है, और वियतनाम में ड्रिंक करना एक कॉमन है। दोस्तों अगर आपको वियतनाम जाना ही है तो वहाँ का बेस्ट टाइम उनका न्यू ईयर है, जो कि वो 12 फरवरी को होता है। न्यू ईयर के टाइम वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वहाँ के फेमस फूड की, तो वो है मंकी का सर। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है बहुत डिस्गस्टिंग है, बट क्या करें, फेमस है। इस देश में आपको हर एक जानवर मिलेगा। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो ये देश आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों एकमात्र यही देश है जहाँ पे काजू फेमस है, और पूरी दुनिया का हाईएस्ट प्रोडक्शन इसी देश में होता है काजू का। दोस्तों इस देश के लोग टर्टल यानी कि कछुए की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो उसको अपना गुड लक भी मानते हैं। वहाँ जाके आप परफ्यूम रिवर घूम सकते हैं, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत नदी है, जो नदी फूलों के बीच में से बहती हुई आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। दोस्तों वियतनाम की एक फेमस जगह है नाहतरंग, जो कि किंग ऑफ बीच के नाम से जाना जाता है। आप कभी जाएं तो ये जगह जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों हमारा अगला देश आता है कोलंबिया।
जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। यहाँ की कुल जनसंख्या 5.09 करोड़ है। यहाँ की करेंसी है कोलंबियन पैसो, जो कि 1 कोलंबियन पैसो 0.019 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 10,000 इंडियन रुपीस लेते हैं, जो कि वहाँ पे जाके 4,98,000 अप्रॉक्स बन जाते हैं, यानी कि हम वहाँ जाके तो बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वहाँ की लैंग्वेज की, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश भी नॉर्मली बोली जाती है। दोस्तों, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हैं कोलंबियन की रेनबो रिवर। मैंने इस रिवर के बारे में एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ जाके इस रिवर के बारे में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप वहाँ जाके सॉल्ट कैथेड्रल ऑफ जिपाकुइरा, ये एक चर्च है दोस्तों, जो कि कवर्ड है सॉल्ट माइन से। जितना मुश्किल इसका नाम है, उससे बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत ये चर्च है दोस्तों। थर्ड प्लेस जो आप घूम सकते हैं वहाँ जाके, वो है टायरोना नेशनल पार्क, जो कि एक बीच है। दोस्तों, आप वहाँ जाके एक म्यूज़ियम ट्राई कर सकते हैं, जिसका नाम है सेंटुरारिया दे लास लेजास, जो कि एक छोटा सा म्यूज़ियम है जो एक ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर मिलेंगे। कैनो क्रिस्टल, जो कि कोलंबिया रेनबो रिवर को बोला जाता है, आप वहाँ पे जाके हाइकिंग और बहुत सारे एडवेंचरस भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोलंबिया जा रहे हो तो अमेजोन जंगल को मत भूलिएगा। हमारा आखिरी देश जहाँ पे हम इंडियंस जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अमीर फील कर सकते हैं, जापान की करेंसी है जापानीज येन, जो कि 0.66 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। तो दोस्तों, अगर आप 10,000 इंडियन रुपीस लेते हैं, तो वो वहाँ पे 16,000 येन के बराबर होता है। जापान के बारे में मैं आपको डीपली डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो मैं आई बटन में एक लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं, तो सेविंग करने के साथ साथ घूमना भी ज़रूरी है। आखिर हम इंडियंस को भी तो पता होना चाहिए कि दूसरे देशों में क्या होता है और दूसरे देशों का कल्चर कैसा होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।